अब साहित्य में ऐसे सवाल बार बार आएंगे, मैं रोज आपसे दो चार सवाल पूछा करूंगा, आपसे हाथ खड़े करवाऊंगा, बिना संकोच के आप कर दीजिएगा। तो आप लोगों की उम्र कम से कम 20 साल तो होगी ही, कितने बच्चे 20 से कम वाले हाथ खड़ा करें? ऐसे 10-12 बच्चे हैं। 18 से कम तो नहीं है, 18 से कम में इलीगल हो जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं। 18 के होना भाई? हाँ, ठीक है, 8-10 बच्चे हैं। यार बिगड़ मत जाना तुम ऐसी बातें सुन सुन के, लेकिन क्योंकि अभी कहानी है, ऐसी ऐसी पढ़ोगे अभी से बेहतर हो जाओगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। तो 18+ सब लोग हैं, ठीक है? तो ये क्लास ओनली फॉर एडल्ट्स टाइप का मामला मान सकते हैं, सब वयस्क लोग क्लास में बैठे, कोई बच्चा नहीं बैठा है, ठीक बात है? ये क्या बोल रहे हैं कान में आपसे, ये बच्चा है? आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 21 है आपकी, 22 है ना, इतनी दाढ़ी 18 में आ भी नहीं सकती, इसके लिए तो 20-22 चाहिए ही चाहिए। तो बड़ा आसान सा सवाल है, मैं एक दुनिया समानांतर में तो पूछता ही, अभी पूछ लेता हूं। आप में से कितने लोगों को आज तक प्रेम नहीं हुआ किसी से, हाथ खड़ा करें? संकोच नहीं करना है, कोई किसी को नहीं बताने वाला, एकदम प्राइवेट मामला है, आप खुल के बोल दीजिए। जी ले सिमरन, जिंदगी जी ले अपनी, तू हाथ हाथ खड़ा कर दे खुल के, बोलो बोलो, कितने लोगों को आज तक, मैं दो तरफा की बात नहीं कर रहा हूं, एक तरफा भी इसमें शामिल है, दो तरफा तो किसी किसी का ही नसीब होता है, एक तरफा कि आप लट्टू थे सामने वाले भाव ने दिया, वो भी इसमें शामिल है। ऐसे लोग जिनको आज तक एक तरफा प्रेम भी नहीं हुआ किसी के साथ, वो हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या, शर्माइए मत, है ना, ऐसे मत कीजिए, चेहरा सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग ऐसे हैं, अच्छी बात है, 11, एक आप भी है, 11 लोग हैं, ठीक है, मतलब हुआ लेकिन रोक के रखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कई बच्चे सीरियस होते कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं प्रेम हो रहा है लेकिन नहीं करना, नहीं करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसको भी हम काउंट करेंगे, हुआ लेकिन आपने रोक लिया, मैनेज कर लिया, वो अलग बात है, ठीक है, तो मैं फिर भी मान लेता हूं 11 लोग ऐसे हैं। चलिए, और अब असली सवाल है, ये तो ट्रेलर था, कितने लोगों को जीवन में एक ही बार हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ? ऐसे लोगों की संख्या करीब 40 के आसपास दिख रही है। तो 11 को एक बार भी नहीं हुआ है, 40 को एक ही बार हुआ है, कुल लगभग 550 लोग बैठे हैं। तो अब धीरे धीरे संजू की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब ईमानदार से, मतलब बिना संकोच के ईमानदार से हाथ खड़ा करके बता रहे हैं, कितने लोगों को कम से कम दो बार प्रेम हो चुका है, बेशक एक तरफ आओ, हाथ खड़ा कर लीजिए, संकोच मत कीजिए। देखिए इसमें भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, कम से कम दो में 2 3 4 8 10 सब शामिल हैं। अब कईयों ने हाथ खड़ा किया, हाँ अब हम एलिजिबल हुए 10 बोलते ही। चलिए अभी कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, संकोच लग रहा है उनको, शर्म आ रही है। देखिए आदर्श ये है कि व्यक्ति को जीवन में केवल एक व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए, गृहस्थ जीवन का आदर्श तो यही है कि पति के मन में पत्नी के अलावा किसी का भाव ना आए, और पत्नी को सपने भी पति के ही आए। हालांकि कल ये बात हमने देख ली थी, ऐसा होता नहीं, अलग बात है, आदर्श तो यही है ना। अच्छा हम अपने पेरेंट्स के बारे में अगर सोचे, हमारा मन करता है कि भगवान ऐसा ही हो, कि मेरे पापा को मेरी मम्मी के अलावा किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, कभी हुआ भी नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करते कि ना ही हुआ हो, ऐसी खबरें ना मिले जो चुभ जाए बाद में, तो ठीक है, कहीं बड़ी उम्र में पता लगे कि एक भाई और भी है उस शहर में, तो खराब लगेगा। तुम ऐसे ही मम्मी को लेके ज्यादा लगता है कि मम्मी को किसी और से ना हुआ हो, क्योंकि वहां थोड़ा संस्कृति ज्यादा हावी हो जाती है महिलाओं के मामले में, पुरुष के मामले में चलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बुरी बात है, भेदभाव बुरी बात है, लेकिन दिमाग में रहता है इस तरह से। लेकिन आप अपने जीवन में देख चुके होंगे, नहीं तो देख लेंगे आगे चलकर, कि ये कल्पना है, क्योंकि मन में विचलन होना बहुत सामान्य बात है। अब साहित्यकार क्या दिखाए अपनी कहानी में,
ये दिखाया कि सारे चरित्र राम और कौशल्या जैसे हैं, सीता मैया जैसे हैं, मन वचन कर्म से एकदम शुद्ध पत्नी व्रत पतिव्रत हैं, तो आदर्श का की पोटली बन के तो रह जाएगी, लेकिन उसमें रियल लाइफ नहीं आएगी।